दोस्तों, माय स्माइल इंडिया चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज का टॉपिक है गणेश महोत्सव के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सभी शुभ कार्यों में, शादी है, कथा है, हैप्पी बर्थडे है, कहीं भी कुछ वास्तु पूजन करना है, तो सबसे पहले हम गणपति की प्रथम पूजा करते हैं। और पंडित लोग, ज्ञानी लोग, यहाँ ज्ञान की पूजा है। ऐसे देखने जाए तो उनकी जन्म की कथा भी बहुत अलौकिक है और उसमें एक साइंटिफिक रिसर्च भी है। उनका सर देखेंगे हम, पहले सर हम देखते हैं तो हाथी का, उनके पिता आदिदेव महादेव ने कट कर दिया था और उसके ऊपर उसी समय माता पार्वती ने कहा, ये तो आपका लड़का है, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए सर्जन किया था। तब उसी समय तुरंत ही पैदा हुआ एक हाथनी का बच्चा था और उनका सर कट के उनके ऊपर रखा जाता है। आप सोचिए कि वह जो सर ओरिजिनल था उसको नहीं लगाया। तो इसमें भी हमने अभी साइंस में ही सुना है कि आंख भी बदल सकते हैं, अगर कोई शरीर का हार्ट है वो भी बदल सकते हैं, पैर है कट गया तो वो भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी दूसरा प्लास्टिक का पैर लगा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, यानी मगर साइंस में अभी तक इतना डेवलप होने के बाद भी हेड ट्रांसलेट किस तरह करना वो अभी संभव नहीं है, सक्सेस नहीं हुआ। तो हमारे किसे देवी देवता थे और उनके बारे में एक कथा आती है, उनकी प्रथम पूजा क्यों होती है कि जब उनके बड़े भाई कार्तिकेय, जिसे साउथ में मोरगन स्वामी कहते हैं, जिसका वाहन है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मेरा चैनल का लोगो भी मोर पीछे है, क्योंकि सभी के लिए वहां दिल भी है अंदर, आप देखेंगे मोर के अंदर, और बहुत ही नयन रम्य होता है जब वो नाचता है। तो दोस्तों, दोनों भाइयों में बहस हो गई तो माता पिता ने कहा कि सबसे पहले जो विश्व की प्रदक्षिणा करके आएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। और मोरगन स्वामी यानी कार्तिकेय तो तुरंत ही अपने मोर के वाहन पर बैठ के निकल पड़े, मगर उनका जो वाहन था हमारे गणेश जी का, वो तो है चूहा मूषक, ना छोटा वाहन, और उनका बॉडी भी आप देखेंगे तो हैवी बॉडी। तो उस समय नारद मुनि प्रकट होते हैं, अब गुरुजनों को नमन करते हैं। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उस समय भी 5 सितंबर है, विश्व शिक्षक दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रपिता राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि को हम, और आज सभी स्कूलों में छोटे बालक विद्यार्थी और विद्यार्थिनी दोनों टीचर बनने का एक अनुभव अपने जीवन में लेंगे और क्लास में पढ़ाएंगे, तो भविष्य में वो हमारे लिए एक आदर्श समाज के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में आज हम नमन भी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हम माय स्माइल इंडिया चैनल की तरफ से सभी गुरुजनों को, यूट्यूब के भी जो हमें नित्य नए नए सेटिंग सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, यूट्यूब के भी जितने भी गुरुजन हैं हर क्षेत्र में, कॉमेडी से लेके रेसिपी, भोजन है, गेम है, गेमिंग के लिए है, फिर है एजुकेशन के, जितने भी गुरु है सभी को हम वंदन करते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं, उनका बहुत उपकार मानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो
नारद मुनि की बात मानी। नारद मुनि ने कहा कि सबसे बड़े तो माता पिता है, अगर उनको आप बैठा के उनको चरणों में प्रणाम करेंगे, 7 बार प्रदक्षिणा कर लेंगे, तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा क्या पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा बराबर हो गई। तो गणेश जी अपने इतने छोटे उम्र में बुद्धि के देवता माने जाते हैं, वंदना करते हैं, इसलिए करते हैं कि बल बुद्धि विद्या हमें मिले। और उनके जो दो पुत्र है शुभ और लाभ, दो पुत्र है, दो पत्नी भी है रिद्धि और सिद्धि। तो एक पूरा जीवन जहाँ हम उनका प्रथम पूजन करते हैं, क्यों करते हैं, एक कथा आगे सुनते हैं। तो माता पार्वती और महादेव को एक शिला पर बैठाते हैं, कैलाश की बात है, हमारे हिमालय पहाड़ कैलाश पर्वत, और 7 प्रदक्षिणा हाथ जोड़ के करते हैं और बैठ जाते हैं। बहुत समय के बाद ऐसा माना जाता है मुरुगन स्वामी जो कार्तिकेय थे, उनको पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा था, तो साउथ में वहां कोई पहाड़ पे रुक गए, तो जल्दी लौटे नहीं। और इस तरफ सबसे पहले प्रदक्षिणा करके वो आ गए, और जब आते हैं तो देखते हैं कि बैठे हुए हैं गणेश जी। तो वो पूछते हैं अपने माता पिता को कि कौन जीता, तो बोले गणेश जी आपके छोटे भाई जीते। कैसे, बोले माता पिता ही सबसे बड़ा देव है इस धरती पर हमारे लिए। अगर आप मनुष्य है तो अपने माता पिता को प्यार दीजिए, वो सबसे बड़े देव है, ये हमने गणपति जी ने हमें सिखाया, गणेश ने वंदना करके हमें सिखाया। आप सोचिए उनका जो जन्म है वो भी अलौकिक है, एक मट्टी से यानी मैल से माता पार्वती उसे सर्जन करती है, और आज हम उनकी मूर्ति बैठाते हैं 9 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वो भी मिट्टी का बना होता है। और गणेश चतुर्थी के जन्मदिन की कथा, उसी दिन हम उसका पूजन अर्चन करते हैं, बैठाते हैं, और 9 दिन के बाद 14 अनंत चौदस के दिन उनका हम समुद्र में, पानी में या जल में विसर्जन करते हैं। यानी हमें सीखने मिलता है ये जीवन जो है, ये जो शरीर है मिट्टी का, एक दिन विसर्जन हमें करना ही है अनंत में। तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है उस आत्मा को हम जान ले, और अपने इस शरीर को छोड़ने से पहले हम विसर्जन कर ले अपने आप को, अपने जो काम क्रोध लोभ है, अवगुण है, जो मन हमारा फंस जाते हैं दुनिया में कि मोह में, और मोह के कारण सभी अवगुण आ जाते हैं हमारे जीवन में। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जो प्रेम है, पहले हम माँ को प्यार करते हैं, छोटे थे जब जन्म हुआ तब हमें कोई खिलौना दे तो भी हम नहीं लेते थे, कोई 1000 के नोट 2000 के नोट दे दे, मान लो आप 6 महीने के हो उस समय आपको 1000 2000 के नोट दे, तो उस समय आपके लिए पैसे महत्व नहीं था, उस समय माँ का प्यार था, तो माँ की उंगली आप नहीं छोड़ते थे। पिता तो बाद में हम जब थोड़ा समझदार हुए तब पिता के बारे में जानने लगे, तो उस समय हमारा पहला जो प्यार माँ था। उसके बाद जैसे हम बड़े होते गए खिलौने से प्यार करने लगा, हम माँ को भी भूल गए और खिलौने से हमारा मोह हो गया। उसके बाद जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ा हमारा संगत मित्र मिल जाते हैं तो हम मित्रों से प्यार कर देते हैं, और खिलौने ऐसे ही पड़े रहते हैं घर में और मित्रों के साथ हम बाहर की दुनिया में निकल जाते हैं, तो मित्रों से प्यार करते हैं युवा में। थोड़ा बड़ा होते हैं हम शादी कर लेते हैं तो हमारा प्यार का जो पात्र है बदल जाता है, फिर अपनी पत्नी को, अपनी लवर जीवन संगिनी को हम प्यार करते हैं, माँ बाप के प्रति थोड़ा कम हो जाता है। और थोड़ा और बड़ा होते हैं परिवार में शादी के बाद तो हम पैसे से प्यार करने लगते हैं, और पैसे के लिए हम न जाने कितने पाप अनायास कर लेते हैं लोभ के कारण, जीने के लिए इस पापी पेट का। तो दोस्तों हम सत्य की राह पे जाए, आज शिक्षक दिवस भी है, और गणेश जी का जो पूरा परिवार है एक दिव्य परिवार है। आप सोचिए सबसे पहले हमने श्रावण में क्या किया, महादेव की पूजन अर्चन की, हर सोमवार को शिवलिंग
वो भी देखिए आप, कोई आकार नहीं है, निराकार जो पूरा विश्व है एक शिवलिंग है। आप अगर आपके सर के ऊपर देखेंगे तो पूरा जो आकाश हमें अर्धगोलाकार दिखता है, तो ओरिजिनल शिवलिंग में ही पूरा विश्व है, पूरा पृथ्वी समाहित है, ये भी शिवलिंग है। तो शिवलिंग में हमारा हम एक अंश रूप है, तो अपने आप को जानना है, इसलिए हम अपने पूर्वज जो है आदिदेव कहते हैं, जैनों में भी आदिनाथ उनका जो वाहन है वो भी बैल है। तो शिव को ही हमारा जो जीव है शिव में से निकला है और उसमें ही हमें समाहित करना है। तो शिव की वंदना पूजा हम करते हैं श्रावण मास में भारतीय धर्म शास्त्र में सनातन धर्म में। दोस्तों हिंदू शब्द कहीं भी नहीं आया, ये अभी अभी बाहर वालों ने चाइना और बाहर जो पारसी में सिंधु संस्कृति के किनारे बसने वाले उसे हिंदू हा बोलते हैं, सर की जगह हा बोलते हैं। आज हमारे सूरत में भी हमारे पारसी लोग आप कहें कहाँ गेला तो सूरत गेला, हा बोलेंगे। तो इसी प्रकार ये जो सिंधु के किनारे बसने वाले हम भारतीय लोग को आज हम हिंदू कहते हैं। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई शब्द हमारे धर्म शास्त्र में नहीं है, मगर हमें राजनीति वाले राज करो और वोट करो और झगड़ा कराओ और अपना राज करो और हमें धीरे धीरे गुलामी की ओर ले गए, सभी चीज में जीएसटी लगा दी। दोस्तों बहुत ही अत्याचार हमारे जीवन में हो रहा है, आने वाले दिन में अगर शिक्षक नहीं जागेगा तो पूरा देश नष्ट हो जाएगा। तो आज शिक्षक के लिए मैं मेरा खास संदेश है, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक कौन है जिसके गोद में प्रलय और विकास दोनों पलते हैं बड़े होते हैं। आज शिक्षक का भी अपमान हो रहा है, उसके 5 साल की नौकरी कर दी गई। और मेरा भी एक समय आज से 20 साल पहले मैं शिक्षक ही था, मगर 5 साल की नौकरी शिक्षण सहायक यानी शिक्षक को भी सहाय की जरूरत है, नहीं सहाय कर दिया इस मोदी सरकार ने जब वो मुख्यमंत्री थे। इतना अत्याचार, आज परिपत्र पे परिपत्र लिखते रहते हैं, हफ्ते हफ्ते में नए नए परिपत्र आते रहते हैं और मानसिक त्रास देते हैं। अब इलेक्शन में वोटिंग में देखिए, वोटिंग हो गई उसके बाद इतने सब परिपत्र कायदे फार्म भरना रहता है, 2-2-3 घंटा उसका परसेंटेज निकालना, ये निकालना, वो सब कोई जरूर नहीं है ऐसे देखने जाएगा। वोटिंग हो गया, काम हो गया, फिनिश, मगर 2-2-3-3 घंटा परेशान कर देते हैं मानसिक टॉर्चर करके। तो शिक्षक आज जागे, उनका पेंशन भी बंद कर दिया गया। दोस्तों जो पुराने हैं उनको ही मिलता है पेंशन, जो लाठी है सहारा है जीवन का, हर एक सरकारी नौकरी वालों को मिलनी चाहिए। और आने वाले दिनों में अगर हम नहीं जागेंगे, हमें 2024 में एक अच्छे, मैं तो कहता हूँ आपके जो है केजरीवाल दिल्ली में देखिए बिजली फ्री, ऐसे भी देखना जाए तो शिक्षा है, बिजली है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब हमारे, हम टैक्स देते हैं तो हम उसके अधिकारी हैं, ये रेवड़ी नहीं है। 10-10 लाख रुपए की रेवड़ी लेके सब बाहर विदेश चले गए, भाग गए, उसको रेवड़ी नहीं कहते हैं। आज भी आप देखेंगे हमें राशन में जो आटा गेहूं मिलता था आज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो चक्की आटा चला गया, सुमूल डेयरी अमूल डेयरी में प्लांट लग गया, उससे बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों गेहूं एक्सपोर्ट नहीं करना है, मगर आटा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पैकिंग भी किलो का मिल जाएगा आपको, इसलिए जीएसटी लगाया है। दोस्तों आटा पे, चावल पे, छाछ पे, दूध पे, दही पे, अरे गरबा खेलने पे, अभी आने वाला समय है माता पार्वती अम्बे माँ, पूरे विश्व में गुजराती गरबा की धूम मची है, और उसके ऊपर भी इस अत्याचारी ने 18% जीएसटी डाल दिया और अपने आप को खुद हिंदू धर्म का नेता कहते हैं, हम हिंदू धर्म को बचाएंगे। आज इतना आप देखेंगे हर रोज लाखों निर्जीव जो बोल नहीं पाते उस प्राणियों की हत्या होती है, उसे रोक नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा मीट का एक्सपोर्ट हम ही करते हैं ये राज में, तो ये सब अत्याचार बंद होना चाहिए।
जब हम जागेंगे, अपने आत्मशक्ति को जगाएंगे। आज सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है दोस्तों। इस अत्याचारी को प्रेम पद से जरूर हटाना चाहिए। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप गुलामी, ऐसे भी गुलाम हो गए हैं दोस्तों। हम स्वतंत्र बने हैं मगर आज हर जगह बेरोजगारी है। छोटे छोटे दुकानदार मर गए दोस्तों। इतने भाव बढ़ा दिए, 1 रुपया मिलता है, 20 रुपये का कोई भी चीज बेचेंगे तो 1 रुपया 50 पैसा मिलता है। वो GST भरेगा या अपने घर का खर्चा चलाएगा। इतने अत्याचार आज छोटे छोटे धंधा वाले मर रहे हैं। जो प्रजा है वो भूखे मर रही है। और बड़े बड़े उद्योगपति जिसके ऊपर GST लगाना चाहिए, जो माल प्रोडक्शन करता है कंपनी वाले, वो राज कर रहे हैं। कंपनी राज, अभी टिकेट साहब सही कहते हैं, हमारे किसानों को जागरूक होना चाहिए, इस कंपनी राज को हटाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने, मैं छोटा था मुझे पता है, कितने यूनियन ऐसे थे, मजदूर यूनियन, इस कंपनी राज को हटाया और संविधान के अनुसार हमें सब सुविधा मिली। मजदूरों को 8 घंटा होना चाहिए, आज 12 घंटा कर दिया दोस्तों। आप सोचिए कितना शोषण है। कोई भी आदमी 4 घंटे से ज्यादा अच्छी तरह काम नहीं कर सकता है। मान लो 7 घंटा 8 घंटा, उसके बाद तो शरीर को आराम चाहिए, मन को भी आराम चाहिए। शिक्षक को भी इतने टॉर्चर करे मानसिक, वो पढ़ाने में ध्यान नहीं देता, बाह्य प्रवृत्ति में उनको दौड़ा देते हैं। सरकारी एजेंटों में सरकारी काम करना है तो अलग से बेरोजगार लोग हैं लाखों, युवा को लेना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत प्रेरणादायक है, तो आने वाले समय में हम गर्भा रहेंगे। तो इस दूरी दिव्य परिवार की हम वंदना करते हैं, पूरा महादेव के दिव्य परिवार। सबसे पहले हम हमारे जो विश्व का नियंता है, महादेव को माना गया है, उसमें से ही पूरा विश्व, उनका सर्जन और विसर्जन दोनों काम है। सर्जन का काम हम ब्रह्मा को कहते हैं, मगर आदि देव माना जाता है, उसी में से ये तीनों देव प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश अलग है, शिव अलग है, उसके हम शिवलिंग में रूप में पूजा करते हैं। वो अनादि देव है, जो आप देखेंगे आदिवासी लोग कहते हैं मूल आदिवासी हैं, तो आदि देव हमारे महादेव है। तो वो लोग भी आज विरोध कर रहे हैं कि हमें महादेव यानी शादी के कारण में गणपति की फोटो नहीं रखनी चाहिए, जबकि हमारे जो पूर्वज है, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे दुनिया के पूर्वज आदिवासी थे, आदि देव ही थे, महादेव थे। इसलिए पैसे वाले आप उच्च जाति जो भी कहेंगे, वो सब के पूर्वज आदिवासी है, आदि देव है, महादेव जिसे कहते हैं। इसलिए जब सत्य का अनुभव करेंगे, आत्मा का प्रकाश का दर्शन करेंगे, आप अपने आप को जानेंगे, तभी ये सब समझ पाएंगे। आप अभी शरीर लेके आए तो हम अपने जात में फंस जाते हैं और हम लोभ करते हैं, मोह करते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और पाप के कसायों से, जिन धर्मों में कसाय कहते हैं, इस कसायों से हमें आत्मा को बांध देते हैं, अपने मन को, और जन्म मरण कर चलकर हमें जन्मों जन्म तक चलता रहता है। तो दोस्तों इसी जीवन में आप सत्य को जानो। मेरे इस चैनल में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे ध्यान के माध्यम से। ध्यान में हम नम्र बनते हैं, और आज आप देखेंगे जापान है, चीन है, वहां सब नमन करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। आज हम गुरुजनों को प्रणाम करने में शर्म लगती है युवाओं लोग, और नमन कर चरण स्पर्श करना यानी हम अपने आप को पछाड़ समझते हैं, बहुत पीछे वाले हम, आधुनिक नहीं है, कोई हमें क्या कहेगा। तो दोस्तों आज कोरोना ने सिखा दिया सबको, हाथ मत मिलाओ, प्रणाम करो, नमस्ते करो। तो कोरोना से भी हमें सीखना चाहिए, अगर जिंदा रहना है सबको नमन करो, प्रेम करो, और अपने जीवन में अच्छाई की तरफ, अज्ञान के अंधेरे से हमें ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को जो रेड है बटन को दबा दें, सब्सक्राइब जरूर करें, और ऊपर जो घंटी का बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि नई नई वीडियो, नई जानकारी जो समय के अनुसार हमारे जीवन के रिलेटेड है, हमें इस पाप से, इस मोह माया से छूट के हमें जीवन का भी कल्याण करना है, परिवार के साथ रहकर।
अपने सभी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें अपना आत्मकल्याण भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।